और हत्या का आरोप लगा है जो नीतीश कुमार जी की चहेती मंत्री हैं लीसी सिंह और उनके भतीजे के ऊपर। इसमें कार्रवाई के नाम पर जो है हमने देखा है कि जो थाना प्रभारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन सवाल ये होता है, खड़ा होता है, जब खुल करके जो उनके परिजन हैं साफ तौर पे ये कह रही हैं कि इसमें लेसी सिंह का कराया गया है जो कि मंत्री, उनके भतीजे का किया हुआ है, तो आखिर अब तक सरकार में बैठे सरकार के मुखिया अभी तक अपना चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते। इसके बाद कई उदाहरण हम लोग देंगे कि किस प्रकार से सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको किस प्रकार से संरक्षण मिलेगा। हम तो मांग करते हैं कि जरा लेसी सिंह जी का, नीतीश कुमार जी अगर ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा, तो आप गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जांच जरा निष्पक्ष तरीके से कर लीजिए, विपक्ष की मांग को भी सुनिए, जरा सीडीआर रिपोर्ट जरा निकाल दीजिएगा लेसी सिंह जी का कि कितने बार उस थाना प्रभारी सिंह की बात हुई है, क्या बात हुई है। और अद्भुत है कि कुछ दिन पहले ही जो रिंटू सिंह है उन्होंने थाने में जाकर के शिकायत दर्ज की कि उनकी जान को खतरा है, इसके बाद भी कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया, ना FIR लिया गया और कुछ दिनों बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। तो आखिर जिम्मेवार कौन? थाना प्रभारी के ऊपर जो सस्पेंड हुआ कौन था भाई जो दबाव दे रहा था? कोई ना कोई तो होगा। अब परिजनों की बात को लेकर के तो FIR दर्ज करना चाहिए, जब खुलेआम कह रहे कि मंत्री और उनके भतीजे ने कराया, तो अब देरी किस बात की है? इससे पहले कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मधुबनी के फ्रीलांसर पत्रकार व RTI एक्टिविस्ट अविनाश झा की जो है दो दिन पहले जो है लापता हो गई। अब शायद अस्पताल माफियाओं के विरुद्ध में वो लगातार लिखते रहे हैं, इस वजह से हो सकता है। चार दिन पहले शिवहर में बिहार के पूर्व मंत्री रघुनाथ झा के भतीजे नवीन झा की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। चंद दिन पूर्व में मोतिहारी में पुलिस कस्टडी में एक छात्रा की मौत हुई, अब पुलिस के पास जो है कोई जवाब नहीं है। छठ पूजा के दौरान मुख्यमंत्री के आंगन नालंदा में एक छात्रा के साथ जो है बलात्कार होता है। देखिए, CBI हो या कोर्ट मॉनिटर द्वारा जांच हो, कौन सा जांच होगा नहीं होगा, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि भाई ईमानदारी से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। और जब आरोप जो जिनपे आरोप लगा है वो साधारण व्यक्ति तो है नहीं, मंत्री हैं, मंत्री के भतीजे हैं, और आरोप हमने तो नहीं लगाया। जिनका मृत्यु किया गया है उन्हीं की धर्मपत्नी ने, उन्हीं के परिवार वालों ने आरोप लगाया है। अब बखूबी अच्छे से वो लोग एक दूसरे को जानते हैं और जो छवि रही है लेसी सिंह जी की, ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं, इसका कई घटनाओं का भी जिक्र किया गया इससे पहले भी, तो इसमें तो नीतीश कुमार जी कहां है? सवाल तो ये पूछना चाहिए ना, नीतीश कुमार जी जो उनका गैंग है नीतीश कुमार जी का, आप क्या कहिएगा? जहां उनके विधायकों पर इतने आरोप जो हम गिनवाए, मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं, तो ये तो एक गैंग है। और बिहार को तिजोरी तो खत्म कर, खाली कर ही दिया,
और आम लोगों की सुरक्षा के सवाल है। भाई जो मंत्री विधायक को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो बिहार के अपराधियों को क्या कंट्रोल करेगा?